हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू टुडेज बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमने देखा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है इन ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट। और ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, मींस बोथ ऑफ देम रन फ्रॉम द 5' टू द 3' एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिकली वो प्रेजेंट होता है एज ए लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमाटिन। बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दिस स्पेसिफिक डीएनए, दिस स्पेसिफिक क्रोमाटिन विल कॉयल अप टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है कॉयलिंग ऑफ डीएनए, दैट इज हाउ ए क्रोमाटिन फाइबर और ए डीएनए मॉलिक्यूल विल कॉयल अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म ए क्रोमोसोम। Okay, so let's begin the topic, students. So DNA is a genetic material in most of the living organisms. This you already know. कि जितने भी living organisms होते हैं उनमें DNA ही genetic material होता है. In some viruses you will find कि RNA can be the genetic material, but mostly it is DNA. The next point is in prokaryotic cell the DNA is double stranded, circular ring like, whereas इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर स्पेस नॉट इन द न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, तो उसका जो जेनेटिक मेटेरियल है डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, इट विल बी प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। बट इफ यू लुक एट द प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस, उनका कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। तो उनका जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है और वो न्यूक्लियोइड स्पेस में होता है, देयर इज नो क्रोमोसोम हियर। तो यहाँ पे कॉइलिंग का हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली कॉइलिंग यू विल फाइंड व्हेन द क्रोमोसोम्स हैव फॉर्मड। जनरली इन यूकैरियोटिक सेल इट इज प्रेजेंट इन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमाटिन। तो दिस वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि आपका जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल में वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमाटिन बोला जाता है उसी फॉर्म में रहता है। लेकिन जब सेल डिविजन होता है, व्हेन द सेल डिवाइड्स, इट कॉइल्स अप टू फॉर्म द क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीजन होता है तब ये कॉइल होके क्रोमोसोम बन जाता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, समटाइम्स ये पूछा जाता है कि डीएनए कॉइल क्यों होता है, क्यों वो क्रोमोसोम में होता है। जब आपका क्रोमाटिन फॉर्म में होता है तब भी तो उसमें जीन्स होते हैं, तो वो कॉइल होके क्रोमोसोम क्यों बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो द आंसर इज वेरी सिंपल। आप लोग देखोगे कि ये जो क्रोमाटिन है ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एंड ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद सर्टेन प्रोटीन्स। एंड जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स ड्यूरिंग द प्रोफेज एंड दिस जेनेटिक मेटेरियल कम टू द साइटोप्लाज्म। एंड इन द साइटोप्लाज्म देयर आर मेनी डाइजेस्टिव और लाइटिक एंजाइम्स, बहुत सारे लाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस जेनेटिक मेटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दिस ओनली ऑकर्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन आफ्टर प्रोफेज टू बी मोर स्पेसिफिक। लेकिन अगर वो कॉयल होकर क्रोमोजोम हो जाए तो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाता है। It coils up in such a manner that these enzymes cannot act on them, and as a result, the genetic material is intact. So that is the reason कि ये जो chromosomes होते हैं वो form होते हैं only during cell division. जैसे ही cell division खत्म होगा after telophase, you'll find they will again unwind into the chromatin. So this is how the coiling of the DNA generally looks like. ये आपका double stranded DNA है which is shown in a picture, and then it coils up around certain proteins called as the histone proteins. To form units called as nucleosomes. Now this small beaded DNA will again coil off, ultra coil, to form chromosomes which appear to have arms, जिसको chromatids बोला जाता है, और उसका जो center होता है उसको हम लोग centromere बोलते हैं। So this we have already discussed in your class 11th course syllabus, the structure of the chromosome. ठीक है? Let's move on. The negatively charged DNA coils off with the help of positively charged histone proteins. Due to the presence of amino acids like lysine, as you can see कि यहाँ पे कुछ amino acid होते हैं जो positively charged होते हैं, जैसे lysine हो गया, arginine हो गया, तो इसी के help से ही हमारा negatively charged DNA coil up होता है। Now imagine DNA to be a negatively charged molecule, which is true actually, आपका DNA जो होता है वो negatively charged molecule होता है, तो एक negatively charged molecule अपने चारों तरफ wind up नहीं हो सकता, because there will be force of repulsion. Both of them are negatively charged. तो उसको बाइंड करने के लिए हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज इज प्रोवाइडेड बाय द हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ एक्चुअली द कॉइलिंग टेक्स प्लेस। कॉइलिंग कैसे होता है उसको देख लेते हैं।
So this is how your coiling will appear like. Just give me a second, Swenson. So this is the coiling format, how it will coil around. So सबसे पहले क्या होता है? आपका double stranded DNA molecule winds up around the histone protein, forming units called as nucleosome, which are then stabilized by non-histone proteins. सबसे पहला step, double stranded DNA वो histone protein, histone octamer बोलते हैं. Histone octamer मतलब उसका 8 units होता है. There are small 8 units, इसीलिए histone octamer. उसके चारों तरफ wind up होगा to form small complexes which are called as nucleosome, and these complexes are stabilized by the non-histone proteins. So non-histone proteins, there are certain proteins which are not histone in nature, तो वो उसको चारों तरफ से stabilize करके रखते हैं. Now each nucleosome will contain about 200 base pairs of DNA. 200 base pairs of DNA हो सकता है एक nucleosome unit में. तो आप इसको अब imagine कर लिए, जब हम लोग diagram देखेंगे, it will be more clear for you. DNA will wind up. तो इमेजिन करो एक थ्रेड आप लोग किसी चीज के ऊपर वाइंड अप कर रहे हो. तो अगर आप उसको वाइंड अप करते हो, जनरली ये 2.5 times वाइंड अप होता है. डीएनए वाइंड्स अप 2.5 times अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, एंड ड्यूरिंग दिस 2.5 time ऑफ वाइंडिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए विल हैव ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए. बेस पेयर मतलब हम यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है. नाउ द डीएनए इज सेमी कॉइल्ड, कॉल्ड एज बीडेड डीएनए. इसको बीडेड डीएनए बोला था बिकॉज छोटे छोटे बीड्स की तरह दिखेगा वो. ओके, the nucleosome further coils up to form solenoid structure. Now this is how it is, how it looks like. isko thoda magnify kar lete hain. to ye dekhiye aapka jo histone octamer hai, as you can see in this diagram, dna dekhiye octamer ke charo taraf 2.5 times wind up hota hai, fir bahar nikalta hai. to yahan se yahan tak jo length of dna hai usme aap log dekhenge ki 200 base pairs hoga, right? each of the unit is called as nucleosome. yahan pe hum log h1 protein dekhte hain, which is non histone. h1 histone protein hota hai, wo yahan pe isko stabilize karta hai, इस जगह पे रहेगा और उसको ब्लॉक करके रखेगा, क्योंकि अगर ये प्रोटीन नहीं रहेगा, देयर आर चांसेस कि इट कैन ओपन अप. तो यहां पे इन दिस डायग्राम यू कैन सी द हिस्टोन प्रोटीन्स आर हियर. नाउ व्हाट हैपेंस कि दिस हिस्टोन प्रोटीन्स दे विल स्टार्ट टू अनकॉइल देमसेल्फ. वो लोग अपने चारों तरफ अनकॉइल होने लगेंगे, जिसके चलते ऐसा एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं द सोलेनोइड स्ट्रक्चर. फाइनली देयर इज द अल्ट्रा कॉइलिंग ऑफ द डीएनए and it gets converted into chromosome. तो पहले क्या होगा? Nucleosome form होगा. Nucleosome के बाद आता है आपका beaded DNA. जो DNA होगा वो beads like दिखेगा, as you can see in the structure. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, DNA और straight नहीं है, वो bead जैसा हो गया, right? So this is called as a beaded DNA. अब ये beaded DNA चारों तरफ circular pattern में coil होने लगेगा, जिसको solenoid structure बोला जाता है. अब यही solenoid structure, ये जो आप लोग देख रहे हैं solenoid structure, यही चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग magnify किए हैं. So this solenoid structure will coil around to form chromatin fiber, and that condenses to form the chromosome. So इसको तीन step में याद रख लीजिए, formation of nucleosome, then formation of beaded DNA that leads to the development of solenoid structure, and then the solenoid structure will again ultra coil to form chromosome. So एक single DNA strand से यहाँ तक आने में इतने सारे steps involve होते हैं, ठीक है? So let us make a very brief overview of what we have studied. तो ये डायग्राम एक ब्रीफ ओवरव्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये हो गया आपका डबल हेलिकल डीएनए. अब ये डीएनए देखिए, एक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ वाइंड अप होता है टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स, सॉरी अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स. अब जब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ हो जाएगा, तो अब ये डीएनए जो है, डीएनए वो एक बीडेड डीएनए बन जाएगा. यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखिए, नाउ दिस फॉर्म से बीडेड डीएनए, बिकॉज डीएनए के बीच में बीड्स हैं जो हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, वो बीड्स की तरह अपीयर करते हैं, तो उसको बीडेड डीएनए बोला. अब ये बीडेड डीएनए चारों तरफ कॉइल अप हो जाएगा, जिसको सोलेनोइड स्ट्रक्चर बोला जाता है. नाउ दिस सोलेनोइड स्ट्रक्चर विल कॉइल अप लाइक ए स्प्रिंग लाइक मैनर, लाइक दिस, एंड दिस स्प्रिंग लाइक मैनर ऑफ कंडेंसेशन और अल्ट्रा कंडेंसेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट फॉर्म्स दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम. ओके, तो ये जो क्रोमोसोम होता है उसका विड्थ होता है 700 नैनोमीटर्स ऑफ ईच आर्म, एंड बोथ द आर्म्स विल बी 1400 nanometers, and the width of single strand of DNA is only 2 nanometers. ठीक है? So this is how your DNA molecule coils up to form the chromosome, and this occurs only during the cell division. Clear, students? So this might be a little bit confusing for you, but just go through the video twice or thrice, and if you have any doubt, we can clear it during our class hours. Okay? चलिए.
Thank you. Thank you.